क्या हो गया इस लड़के को? दो दिन हो गए, न किसी से बात करता है न खाने पे आ रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी उमा, हमें मानव की शादी करनी ही होगी। मैं आज ही बात करता हूँ उससे, पता लगाओ मानव है कहाँ। अब तो मानव को शादी के लिए हाँ करनी ही होगी। जय श्री कृष्ण। अरे ठक्कर भाई, आई आई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे आना हुआ जी? मुझे तो उमाबेन ने यहां बुलाया। मैंने कब बुलाया? अरे कल ही तो आपने फोन पर कहा था आज आप अपने पूरे परिवार के सामने मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। ठक्कर भाई ये क्या हो रहा है? ठीक से याद करिए, आपको किसने फोन किया था? मैंने। मानव, ये आदमी यहां क्या कर रहा है? मानव, तुम छनछन के साथ क्या कर रहे हो? भाई ये सब क्या हो रहा है? जय श्री कृष्ण। आप सबके सवालों का जवाब मेरे पास है। देखो बेटा, मुझे पहले मानव से बात कर लेने दो। बताओ मानव, ये आदमी यहां क्या कर रहा है? पापा, सगाई के दिन आप लोगों ने जो फोटोज देखे थे वो नकली थे। छनछन को और मुझे तो उसी दिन शक हो गया, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये शादी तोड़ने का नाटक करें और इसी नाटक की आड़ में और उस शख्स का पता लगाएंगे जो नहीं चाहता कि हम दोनों एक हों। अब आप लोगों को पता चला कि ये एक साजिश थी हम दोनों को अलग करने के लिए। कहीं ये ठक्कर मेरा नाम ना ले ले। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? बोलो। मुझे वो नकली फोटो बनाने और सबके सामने झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए। किसने दिए थे तुम्हें पैसे? बोलो, जवाब दो। वो ठक्कर भाई ने। ठक्कर, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मेरे बेटे का रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की? बापूजी आपसे कुछ पूछ रहे हैं ठक्कर भाई, अब बोलते क्यों नहीं? जी वो मैं उमाबेन। नाम मत लेना मेरा। तुम्हें क्या लगा
मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें माफ कर दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? माफी मतलब? मैं बताती हूँ, क्योंकि अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। क्या हुआ ना कि कुछ दिन पहले ये ठक्कर भाई मेरे पास आए थे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, अपने मानव के लिए। इन्होंने कहा कि इनकी बहुत पुरानी इच्छा है कि इनकी बेटी हमारे घर की बहू बने। तो मैंने कहा मैं सबसे बात करके फिर बताऊंगी। फिर पता चला कि मानव तो छनछन से प्यार करता है, तो मैंने जाके इन्हें साफ साफ मना कर दिया। तो ये मुझे बुरा भला कहने लगे, उसी वक्त मुझे धमकी देने लगे कि ये मेरा घर बर्बाद कर देंगे। मैंने सोचा कुंवारी बेटी का बाप है, अब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो बौखला गया होगा, इसलिए माफ कर दिया। पर ये मेरी गलती थी। अगर उसी वक्त इसकी आवाज नीची कर दी होती ना, तो ये मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। लेकिन मैं आपके परिवार को बस। अगर तुमने मेरे परिवार के बारे में बुरा सोचा या मेरा नाम तुम्हारी जबान पे आया ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारा नाम भुला दूंगी। अब मुंह बंद रखो और मेरे घर से निकल जाओ। मुझे चलना चाहिए। रुको बेटा, हमें माफ कर दो। मुझे पता है कि जो कुछ हुआ है उसमें कसूर किसी का भी नहीं, लेकिन गलती तो हमारी तरफ से हुई है। प्लीज आंटी जी, आप माफी मत मांगिए। वो तो हम थे जिन्होंने उस वक्त हमारे रिश्ते को तोड़ना जरूरी समझा। हाँ मम्मी, वैसे आपने तो पूरी कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की। वो तुम ही थी उमा, जिसे इतना कुछ हो जाने के बाद भी छनछन पर भरोसा था। भरोसा तो मुझे भी था, लेकिन हालात ऐसे थे कि हम कुछ कर नहीं पाए। प्लीज ऐसा मत कहिए। जब बड़े मजबूर होते तो छोटे उनकी जिम्मेदारी उठाते, इसलिए मानव और मैंने ये फैसला लिया कि हम किसी भी हाल में सच को सामने लेकर आएंगे। चलो अब अंत भला तो सब भला। हाँ, और वैसे भी बाकी पसंद तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। उमा, हमें चलकर छनछन के परिवार से मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, लेकिन मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि उनसे आंख नहीं मिला पाऊंगी। ठीक, मैं जाकर उनसे मिलता हूं। वैसे भाई साहब, आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही सोचता। भाई बुरा उस वक्त कोई नहीं था, बस समय बुरा था जिसने हम सबसे ये करवाया। ये तो आपका बड़प्पन है जो आपकी बातों में दिखाई दे रहा है, और वो आपके संस्कार हैं जो आपकी छनछन में दिखाई दे रहे हैं। बस अब आप शादी की तैयारी शुरू कीजिए। अरे मतीलाल भाई, लगन ही तो चिंता ना करो, शादी तो एकदम सारा भाई स्टाइल में होगी, और ऐसी होगी कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ
देखिए आप ज्यादा बोझ मत लीजिए, आप जैसे अपनी बेटी को विदा करेंगे ना, हम वैसे ही उसे अपने घर लेकर जाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, तो शादी की थोड़ी बहुत तैयारियां तो हमें भी करनी है ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खूब सुखी था दिख रहा, खूब सुखी था। प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, लेने आएंगे धूने राजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा। अरे मिसेज, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी बेटी की शादी बिल्कुल वैसे करेंगे जैसा हमने सोचा है। पापा आवी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे पैसों की वेस्टेज हो। बेकार की चीजों पे पैसे वेस्ट करने से अच्छा हम किसी अनाथ लड़की की शादी में लगाएं। हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमने तेरी शादी के लिए 8 गैलरी बुक की है ताकि किसी बैंक्वेट हॉल पर पैसे बर्बाद ना। और हम सभी गेस्ट से कह देंगे कि वो गिफ्ट्स की जगह डोनेशन दे, और ये भी कहेंगे कि ये पैसा हमारे पास नहीं बल्कि अनाथालय में जाएगा। हाँ। हमने केटरर से भी बात कर ली, शादी में खाना सिंपल टेस्टी और हेल्दी होगा, कोई बेकार की डिशेस नहीं जो अंत में छूट जाए और वेस्टेज हो। गुड। अच्छा मामा, केटरर से कह देना कि रिसाइकल पेपर प्लेट्स एंड रिसाइकल ग्लासेस, इको फ्रेंडली। राइट राइट बेटा, एनवायरमेंट का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए नो फटाके, नो लाउड म्यूजिक, प्योर इको फ्रेंडली वेडिंग। ये क्या है? जिम्मेदारी, जो हर एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की शादी के लिए। तेरी तरह नहीं, तेरे तो सिर्फ एक ही फर्ज है, सिर्फ शॉपिंग 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 शॉपिंग, और कुछ नहीं। बच्चों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है बस। पर मॉम, ओह स्टॉप इट, पहले मुझे कार्ड दे। कम ऑन। ओके टन टन, ये देखिए। कैसा है? इट्स परफेक्ट। परफेक्ट तो हो गई, फिजिकली चैलेंज बच्चों ने खुद अपने हाथों से बना। भगवान के बनाए हुए बच्चों में जो कमी रह गई, आज उन्हीं बच्चों ने इन कार्ड्स को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दिखा। तो फिर है ना, और इन कार्ड से मिले पैसे उन्हीं बच्चों के काम आएंगे। क्या हुआ दादी, आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं नहीं, अच्छा है, लेकिन 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 क्या बा? बेटा इस शादी में हम हर चीज का ख्याल रख रहे हैं, जैसे कि पैसे खाने की बर्बादी ना हो, गरीबों और अनाथ बच्चों को मदद करना, ये सब ठीक है, लेकिन इन सब में हमें मानव के परिवार की पसंद का भी ख्याल रखना है, उन्हें ये ना लगे कि ये सब अजीब सा क्या हो रहा है। वैसे बात ठीक कह रही है, लेकिन मानव के पापा ने ये तो कहा ना कि हम जैसी शादी चाहे हम वैसी कर सकते हैं। ये सब कहा जाता है, लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं कि ओके ठीक है दादी, मैं एक काम करती हूँ, मानव से बात कर लेती हूँ, उसे कहती हूँ कि वो अपनी फैमिली को समझाए। हाँ, ताकि शादी में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ठीक है। अरे अरे थोड़ा फट जाएगा, जा पे ना, जा पे। अरे चिंता मत कर, ये कार्ड इसी के लिए था, सबसे पहले तेरी शादी में उसने खुद को ही निमंत्रण दे दिया। कर गए ना कंजूसी, अगर उस आदमी का मुंह ज्यादा पैसों से भरा होता तो
तो मजाल है कि वो मुंह खोलता। कम पैसे दिए तो खेल बिगड़ गया। खेल तो तब बिगड़ता ना उमा बहन जब मैं आपका नाम लेता, और मैंने ये सोचकर आपका नाम नहीं लिया कि कहीं आप मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद ना कर दे। बिल्कुल ठीक किया आपने, और इतना तो आप अपनी होने वाली समधन के लिए कर ही सकते। क्यों जले पर नमक छिड़क रही है उमा बहन? समधी अब हम कहां रहे? अब तो मानव की शादी छनछन के साथ ही होगी ना? हाँ, शादी तो उन दोनों की ही होगी, लेकिन आपको किसने कहा कि वो सारी उम्र साथ साथ रहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि जो शादी हो रही है वो शादी टूट भी सकती है। एक महीना ठक्कर भाई, एक महीने के अंदर अंदर ये शादी टूट जाएगी और वो छनछन घर से बाहर निकल जाएगी, और आपकी बेटी हमारी छोटी लाडली बहू। पर ये सब होगा कैसे उमा बहन? क्या मानव ऐसे ही छोड़ देगा उसे? इतनी आसानी से जाने देगा छनछन को? अरे मेरा बेटा तो चिकना घड़ा है, जैसा आकार दूंगी वैसा बन जाएगा। आप मेरी बात तारीख के साथ लिख लीजिए, एक महीने के अंदर अंदर मानव खुद धक्के मार के उस छनछन को घर से बाहर निकाल देगा। चलिए मैं यहां विदाई की तैयारी करती हूँ, और आप वहां अपनी बेटी को विदा करने की कीजिए। हाँ देखना मानव भाई, कल तुम्हारा रंग कितना खिल उठेगा। भाभी आखिर ये हल्दी लगाते क्यों है? ये लो जी, इसीलिए ताकि जब दुल्हा दुल्हन के साथ मंडप में बैठे तो वो उतना ही खूबसूरत लगे जितनी की दुल्हन लग रही हो। फिर तो जितनी भी हल्दी लगा लो भाभी, छनछन भाभी की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। वो तो है। कौमुदी भाभी, आपको याद है मेरी शादी में आपने उन्हें कितनी हल्दी लगाई थी? फिर भी वो मेरे सामने सामने नजर आ रहे थे, है ना? पर रंजना बेन, आपकी शादी में तो मानिक भाई को हल्दी लगाई नहीं थी, पिलाई थी। बेचारे बीमार पड़ गए थे ना इसीलिए। पता नहीं बा कहाँ रह गई, कहकर गई कि किसी जरूरी काम से जा रही है, और मुझे कहा कि मैं हल्दी की रस्म शुरू कर दूं। मेरे हल्दी लगाए बिना रसम पूरी कैसे होगी? हाँ देखो इसके चेहरे पे पीठी कितनी जल्दी लग रही है। अरे ऐसा ना हो शादी से पहले तेरा रूप ढल जाए। ऐसे कैसे रूप ढलेगा बा, शादी तो कल ही है। हाँ, मेरे कहने का मतलब है मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे हल्दी कल तक लगाती ही रहूं। ये तो लीपा पोती है बेटा, असली हल्दी तो तुझे एक महीने बाद लगेगी, जब मैं छनछन को घर से निकाल कर सोनाली से तेरी शादी करवाऊंगा।